राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। कैसे आप सब? हमेशा की तरह हंसते खेलते और मुस्कुराते ऐसे ही रहा करो, हंसते खेलते और मुस्कुराते। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा सैया म्यूजिकल ग्रुप की ओर से नानी बायरो मायरो में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं हमारे नरसी जी प्रसन्न कर चुके हैं भोले जी को। जी हाँ, भोले जी को प्रसन्न कर चुके हैं और उसी प्रसन्नता में उन्होंने राधे कृष्ण के दर्शन मांग लिए हैं कि वरदान में केवल एक ही चीज दीजिएगा, कुछ नहीं चाहिए, राधे कृष्ण के दर्शन कर, मुझे दर्शन करा दो बस। मोहे और कछु ना चाहिए, हे मोहे राधा कृष्ण मिलई है। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप राधे कृष्ण के दर्शन करा दीजिए, दर्शन हो गए तो बस मेरा जीवन तर जाएगा। बोले जी बस राधे कृष्ण के दर्शन। बोले राधे कृष्ण के दर्शन छोड़ो, तो सांसारिक हो? जी हाँ, देखो महाराज कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए राधे कृष्ण के दर्शन। बोले जी कहते हैं तुम सांसारिक हो, पारिवारिक हो? अरे भाई, धन दौलत सोना चांदी हीरे जवाहरात मकान दौलत, भाई ये मांग लो, राधे कृष्ण के दर्शन मतलब समझ रहे हो? बोले मुझे कुछ नहीं, मैं राधे कृष्ण के दर्शन करा दो बस, मेरी यही आपसे विनती है, मुझे बस राधे कृष्ण के दर्शन करा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले राधे, खेल बात थोड़ी है, मरने के बाद ईश्वर के दर्शन होते। बोले तो मुझे मार दो तब तो दर्शन होंगे। महाराज तुम्हें क्या समझाऊं? बोलो मैं कुछ नहीं समझूंगा। बोले राधे कृष्ण के दर्शन आसानी से नहीं होते, तो बोले जैसे होते हैं वैसे करा दो, बोल तो रहा हूँ दर्शन करा दो, मुझे राधे कृष्ण के दर्शन करा दो बस। अब भोले जी कहते हैं कि तुम्हें राधे कृष्ण के दर्शन करने हैं। बोले हाँ। बोले राधे कृष्ण के दर्शन केवल रास की लीला में ही होते हैं और कहीं नहीं। बोले अच्छा। बोले हाँ, और वहाँ जाने के लिए तो बस महिला ही बनना पड़ेगा, जैसे कि एक बार मैं बन चुका हूँ। अब नरसी जी हंसे तो हंसे, बोले भोले जी आपने ठाकुर जी के दर्शन के लिए महिला बने, महिला गोपी बना, गोपी जब जाके मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए और दर्शन करके मैं निहाल हो गया, आनंद आ गया, इतने खूबसूरत ठाकुर जी, मन में गुदगुदी सी होने लगी नरसी जी के, तो फिर मुझे भी करा दो, मैं भी गोपी बन जाऊंगा। बोले अच्छा। अब ठाकुर जी की सारी घटना सारी बातें भोले जी याद करने लगे। नरसी जी ने कहा क्या हुआ? बोले मेरी आप बीती बहुत लंबी है। बोले मेरे पास समय ही समय है, जितना समय हो सब मेरे पे लगा दो, मैं सब सुनूंगा, खाली समय ही समय है। नरसी जी सुनने के लिए तैयार हैं और भोले जी अपनी बात बताते हैं कि किस प्रकार से वो गोपी बनकर भोले जी नरसी जी भोले जी ठाकुर जी के दर्शन किए। आइए चलते हैं उस प्रसंग की ओर, जिस प्रसंग में हमारे भोलेनाथ ने गोपी का रूप लिया और गोपी का रूप लेने के बाद उन्होंने हमारे ठाकुर जी की रास की लीला में शामिल होकर हमारे ठाकुर जी के दर्शन किए और गोपी बने, तो गोपेश्वर का नाम दिया हमारे ठाकुर जी ने। ये बहुत बड़ी बात है कि वो गोपी बने तो गोपेश्वर नाम पड़ा और कहा जो भी दर्शन करेगा उसका कल्याण होगा।
भोले जी ने वरदान भी प्राप्त किया ऐसा नहीं है। तो चलते हैं भोले जी की पूर्ण कहानी की ओर, जहां भोले जी बताना शुरू करते हैं नरसिंह जी को। इसी के साथ मैं दर्शना शर्मा, राधे राधे। जी हाँ, प्रेम से बोलिएगा राधे राधे। हम जितनी भी कथाएं करते हैं, जितने भी प्रसंग करते हैं, वो सब ईश्वर की कृपा से करते हैं। हम स्वयं कुछ भी नहीं जानते, स्वयं कुछ करते भी नहीं हैं, लेकिन वो ईश्वर चुनता है अपने लिए। जो भी काम ईश्वरी कराता है, वो ईश्वर अपने लिए चुनता है। ये बड़ी कृपा है उस ईश्वर की, जिसने मेरे जीवन को बदला। और सच में राधे राधे, आप भी मायरा सुनिए, प्रेम से सुनिए और अनुभव कीजिए कि आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आ रहा है। राधे राधे, प्रेम से बोलिएगा राधे राधे। मैं दर्शना शर्मा।